मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो गई है और आज इस समय मैं हूँ खाटू फैमिली में। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा, रात को हमने लेट नाइट दर्शन करे 3:30 बजे, बहुत ही खुले दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा लगा। और ये होटल से हमारे बाहर का कुछ व्यू, ये सामने रेस्टोरेंट दिख रहा है, इसी के जस्ट साथ वाली गली में पीछे खाटू श्याम जी मंदिर है। दर्शन करके आए, ये मस्त रूम वगैरह हमने पहले ही बुक कर लिया था। पहले तो सभी भैया को जय भोलेनाथ जी की, जय खाटू श्याम जी की। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नई राइड की प्लान कर रहे होंगे। और ये अपने भाई लोग लगे हुए हैं। हाँ जी भैया, अब कहाँ का सीन है? अब भाई सालासर बालाजी चल रहे हैं और हम 5 लोग जा रहे हैं और ये भाई हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि मत जाओ। सपोर्ट भी चेन लूप करवा के भेजेंगे भैया। मैंने अपना सारा सामान रख लिया है मजा बहुत, और अभी मैं आगे हम लोग अगले राइड के लिए बिल्कुल तैयार है, फ्रेश हो गए और मजा आ जाएगा। रात का अलग मजा आ रहा है, दिन का अलग मजा आ रहा है। तो पहले ये था भाई, रात का हम ज्यादा इतना मोटो व्लॉग वगैरह शूट भी नहीं कर पाए, रात काफी हो गई थी। हाँ। तो हम निकलते हैं जल्दी से अपनी अपनी बाइक पे और जाते हैं सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए। आज का दिन बड़ा मस्त रहने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फाइनली गाइस, हम लोग जो है निकलने के लिए तैयार हैं। ओके, ऑल द बेस्ट भाई। ओके, बस भाई अपनी वार्म अप हो रही है, चैन लूप वगैरह कर लिया हमने, इंटरसेप्टर। अभी हम 5 लोग जा रहे हैं सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए, बाकी के हमारे 4 राइडर हैं वो यहाँ से वापसी जाएंगे गुड़गांव। तो चलिए गाइस चलते हैं। फाइनली गाइस, हम लोग जो है निकल चुके हैं 5 राइडर बालाजी के दर्शन करने के लिए। आज का हमारा यही है, हमने कहा जब यहाँ तक आए हैं तो बालाजी के दर्शन करके जरूर जाएं। यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास है जो कि हम 1.5 से 2 घंटे में कवर कर लेंगे। यहाँ रोड कंडीशन की बात की जाए तो काफ़ी हद तक ठीक है, ये साइन आ गया रुकने का हमारा। क्या हो गया भाई? फाइनली गाइस, आप देख रहे होगे बाइक ने माइलेज 36 की दी है भाई, एक्टिवा भी नहीं जाती 36 की। और यहाँ से अभी हमारी बाइक टोटल चल चुकी है 333 किलोमीटर, हाफ टैंक अभी फुल है। यहाँ से बालाजी जाएंगे, फिर हमारी ऑलमोस्ट राइड 400 के आसपास हो जाएगी। तो चलिए अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा अभी आगे राइड पर। यार सड़क के किनारे ये जो खाटू श्याम जी के झंडों की शॉप्स हैं, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं लहराते हुए ना, अलग अलग कलर्स में हैं। बाकी मज़ा आ रहा है भाई, एक नंबर। आगे से पहाड़ों का व्यू चालू हो रहा है, मज़ा आएगा आगे। श्री श्याम देव द्वार, यहाँ से मैं जाना है सालासर वाला जी। फाइनली पहला टोल आ गया हमारे राइड का, आखेपुरा का, अपना तो भाई फ्री है। अरे भाई यहाँ कैसे जाम लगा दिया इन्होंने, सही बना रही है जगह बाइक निकालने के लिए, छोटे से फुटपाथ ही बना दी। देख लो सर जैसे आपको सही लगे, जैसे सही लगे, बाकी डिसाइड कर रहे हैं, पहले कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लें, देखते हैं क्या होता है। हो गया था,
बाकी भाई डिसाइड यही हुआ है, ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। ये बाइक्स खड़ी है अपनी, राम प्यारी है खड़ी भाई। हालत थोड़ी बुरी हो गई है, गंदी हो गई है बहुत, जाके इसको अच्छे से ना वॉश करवाएंगे। बाकी भाई पिकअप विकअप है भाई, माइलेज 36 का भाई, एक्टिव नहीं जाती 36 का, ये 36 का दे रही है। बाकी चलो नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं आगे। राजा महाराजा वाली फीलिंग, पधारो सा जिमन रिठोर, जिमन रिठोर। आ गए भाई यहाँ ब्रेकफास्ट करने, पूछो भाई क्या क्या मिलता है। बाकी सही बना रखे हट वगैरह। चलिए नाश्ता करते हैं, ऑर्डर देते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना। उसके बाद बंदा ना इतना इतना सही हो जाता है कि पता है बहुत ग्रो करता है भाई, बंदे पे भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं हर कोई ग्रो कर जाता है। अगर आप मेरे पास 6 महीने बाद मैसेज आता है रिग्रेट का और सॉरी का, हम तो भाई शादी शुदा हैं। लेकिन ये आपकी जनरेशन, आपके पिताजी वाली 7 जी थी ना, आप 8 का होटल उमराव भाई, यही लोकेशन थी जहाँ हमने बैठ के नाश्ता करा, और ये अपनी बाइक। हाँ जी आर आर क्या मस्त बैठे बने हैं नीचे ऊपर, वो भाई ऊपर से देख रहे बैठा बैठा। फाइनली गए हमारे देश के तिरंगा स्टैंड पे लहराता हुआ। विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा आ रहा है भाई हेलमेट में ना। जब से मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसके बाद से भाई हर घर झंडा, हर जगह बहुत अच्छा लगता है यार कि कोई देश के लिए कुछ कर रहा है। सैल्यूट है भाई उनको, उनके कामों को। बाकी हम सीकर में, अभी हमें आज मोदी यहाँ से 45 मिनट लगेंगे पहुंचने में। सालासर धाम विकास समिति सीता द्वार, we'll be right back.
फाइनली गए बसंबर, पहुंच गए सालासर, बालाजी के दर्शन करने जाते हैं। भाई रोड वगैरह बिल्कुल खाली पड़े, कोई है ही नहीं, गर्मी बहुत हो रही है, पर बाइक पे तो नहीं पता लग रहा। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं। भाई भीड़ देखो कितनी है, और ये गर्मी गर्मी से हाल बेहाल, कहाँ खड़ी करेंगे बाइक। जय श्री राम, जय श्री राम, एक श्री राम, एक श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक श्री राम, एक श्री राम, जय 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 श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय। बालाजी के दर्शन भी बहुत अच्छे ठीक ठाक हो गए हैं, प्रसाद वगैरह ले लिया है, अब यहाँ से हम घर के लिए निकलेंगे। ये व्लॉग पहले काफ़ी लंबा हो गया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आने वाले अगले व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी से दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।